अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है, हम लोगों ने प्रेजेंट और एब्सेंट को कंटिन्यू करना है। मेरे बच्चों बेटा, हम लोगों ने लास्ट टाइम तक कुछ, मैं पूरा एक समराइज करके बता रहा हूँ, 1 से लेके 3 तक, कि किस तरह से रेसेंडल जो होता है मेरे बच्चों, वो क्या करता है, वो ये अपने घर पे होता है, बड़ा केयरलेस टाइप का होता है और कोई काम वाम भी नहीं करता होता, और काम इसलिए नहीं करता होता क्योंकि बोलता है कि मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। खैर, उसका भाई बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है जो कि स्टार्ट होगी 6 महीने के बाद, और एज एन अटैचे तुमने काम करना है सर जेकब बॉर्डियल के लिए। तो खैर, उसकी भाभी के स्टार पर वो क्या बोलता है कि चलो भाई ठीक है, मैं काम कर लूंगा, लेकिन अब 6 महीने बाकी हैं। तो रेसिडेंटल सोचता है कि यार सिर्फ 6 मंथ्स हैं तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब मैं 6 मंथ्स में क्या करूँ। रेसिडेंटल पहले सोचता है तो डिसाइड करता है कि चलो यार मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ रूरिटेनिया की कंट्री में, मैं रूरिटेनिया जाऊँगा क्योंकि वहां पर कॉरोनेशन होने वाली है। तो ये कभी कभार ही मौका मिलता है बंदे को, तो चलो मैं कोरोनेशन ही वहां पर एक्सपीरियंस करके आ जाऊंगा। अब जा रहा होता है तो रास्ते में भाई हमने चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा कि रास्ते में होता है, ट्रेन से जा रहा होता है रूरिटेनिया की कंट्री में, और रूरिटेनिया की कंट्री में ये जा कहाँ रहा होता है मेरे बच्चों, रूरिटेनिया का जो कैपिटल है स्ट्रेल्सू, वहां जा रहा होता है। रास्ते में पेरिस में इसको इसका दोस्त मिलता है जॉर्ज, और जॉर्ज इसको बताता है कि यार हमारे साथ जो है ना मैडम डी मोमान, या इनका जो पूरा नाम है एंटोइनेट डी मोमान, वो भी जा रही हैं। ये इसको इन्फॉर्म करता है जो कि बहुत खूबसूरत हैं, एंड शी हैज अ सेलिब्रिटी स्टेटस, और मेरे बच्चों एक विडो है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों बेटा, इसके बाद कहानी ये होती है कि रास्ते में ही रेसेंडल को पता चलता है कि कॉरोनेशन थोड़ी हो गई है डिले, मतलब कि उसको आगे कर दिया गया है। रेसेंडल ने पहुंचना है मंडे को, घर मंडे को उसने वहां पहुंचना था स्ट्रेल्सू, और उसके मुताबिक जो प्लानिंग थी वो ये थी कि कॉरोनेशन थी अगले दिन, मतलब ट्यूसडे को। अब ये तो रास्ते में है, ये तो पहुंचेगा ही मंडे को, लेकिन सीन ये है कि अब कॉरोनेशन ट्यूसडे के बजाय हो रही है वेनेसडे को। खैर, ये पहुंचता है कैपिटल तो इसको रूम्स मिलते ही नहीं है क्योंकि रूम्स पूरे फुल होते हैं। खैर, कर करा के डिसाइड करता है कि यार जो कैपिटल जो है स्ट्रेल्सू, यहाँ से 50 माइल्स के रास्ते पर एक एक छोटा सा टाउन है जेंडा, वहां पर जाता है। वहां पर एक इन जो होता है, एक टेम्पररी प्लेस टू स्टे, वहां पर आके स्टे करता है, और वहां पर लोगों के ख्यालात का पता चलता है। जेंडा में जो है मेरे बच्चों माइकल का कैसल भी है, ठीक, वहां के लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं कि कौन बने, माइकल ही बादशाह बने, क्योंकि वो लोगों में उठता बैठता है और असल बादशाह को जानता नहीं है। खैर, रात खत्म होती है। फिर चैप्टर 3 में मेरे बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा किस तरह से कि चैप्टर 3 जो है बेटा, उसमें कोई ये वाले सूरत हाल हुई थी कि रेसेंडर उठता है, ट्यूसडे का दिन शुरू हो चुका है। रेसेंडर उठता है, बोलता है क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, कह रहा है कि यार आज भी मतलब कि कॉरोनेशन तो है नहीं, तो कैपिटल जाने का फायदा है नहीं क्योंकि दोबारा से रूम पूरे फुल हुए होंगे। तो वो सोचता है कि चलो यार मैं जेंडा ही घूम लेता हूँ। बाहर निकलता है, जाता है वही वुड्स वगैरह, मतलब के जो जंगलात वगैरह टाइप की होती हैं, वहां से होता हुआ जाता है, एक स्पॉट पर पहुंचता है, काफी अच्छा व्यू लग रहा होता है, दरख्त से टेक लगाता है और इसकी आंख लग जाती है सिगार पे। जब होश आता है तो देखता है इसके सामने 2 लोग हैं, वो उसको देख रहे हैं, घूर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, अगर आपको होश है और अचानक से कोई यूं कर रहा हो, इस तरह देख रहा हो आपकी तरफ, आपकी भी हालत खराब हो जाएगी। भाई मैं रैंडम बंदा, स्ट्रेंजर बंदा, मेरी तरफ लोग इस तरह देख रहे हैं इशारे करके, तो बोलता है भाई जैसे क्या बोलेंगे, हाँ भाई बताइए मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ इस तरह से। तो वो बोलते हैं कि दरअसल हम, वो अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो होते हैं कर्नल सेप ऑफ फ्रेट्स, ठीक है। तो बोलते हैं दरअसल हम आपकी तरफ इसलिए इतनी ज्यादा मतलब इंटरेस्ट से देख रहे थे बिकॉज आपकी जो शक्ल है वो हमारे बादशाह से बहुत मिलती है, शक्ल भी आपकी, बिल्ड भी हमारे बादशाह की, आप डिट्टो कॉपी हैं, बस एक फर्क है कि आपकी बियर्ड है, हमारे बादशाह क्लीन शेव्ड है। अभी ये बात कर रहे होते हैं कि बादशाह भी आता है, बादशाह जब देखता है कि एग्जैक्टली उसी की शक्ल का बंदा, तो वो भी बड़ा हैरान होता है कि यार एग्जैक्टली शक्ल। खैर, बातचीत करते हैं तो पता चलता है उन दोनों को कि यार रेसेंडल फैमिली और एल्बर्ट फैमिली जो है ना, वो दरअसल डिस्टेंटली रिलेटेड है, दूर के रिश्तेदार हैं। खैर, बादशाह खुश होता है, उसको इनवाइट करता है डिनर पर। डिनर पे क्या होता है, एक मतलब कि वो आराम खाना भी खा रहे होते हैं, ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं कि बादशाह के खादिम जोसेफ नाम का बंदा आता है। जोसेफ नाम का बंदा जब होता आता है तो वो बोलता है कि सर ये जो है ना, मैं आपके लिए वाइन की बॉटल लेकर आया हूँ,
और ये भिजवाई है ब्लैक माइकल ने आपकी बादशाह बनने की खुशी में आपको एक सिंपल सा एक सेलिब्रेट करने के लिए। बादशाह क्या बोलता है, भाई ये तो मुझे मेरे भाई ने भिजवाई है, ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, पूरी बॉटल खुद पी जाता है। अब यहाँ से शुरुआत हुई है मेरे बच्चों। अगले दिन क्या होता है, बादशाह सलामत को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बादशाह सलामत को भाई ऐसे चल रहे हैं कि उठने का नाम नहीं ले रहे। उनको उठाने की कोशिश बार बार की जा रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनको ड्रग दिया गया था, और ड्रग किस में था, उसी वाइन बॉटल में था। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बादशाह बनने जा रहा है, लोगों के ऑलरेडी उस शख्स के बारे में ख्यालात थोड़े से नेगेटिव है। मतलब वो नहीं जानते कि ये बादशाह बनने के काबिल है भी नहीं, क्योंकि लोगों में उसका उठना बैठना नहीं है, लोग उसको इतना नहीं जानते, नहीं पहचानते। तो क्या किया जाए, सारी प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। अब अगर एक बादशाह अपनी ही कॉरोनेशन वाले दिन टाइम पर ना पहुंचे, क्यों ना पहुंचे, क्योंकि उसने नशा कर लिया है। और एक बात पहले से बताता चलूं कि एक दिन ऑलरेडी कॉरोनेशन को डिले कर दिया गया है, तो आप कुछ सोच लो कि उसकी इमेज का क्या बेड़ा गर्क होगा, लोग उसके बारे में क्या ख्याल लेके बैठ जाएंगे। सही है, तो ये तमाम सूरत हाल जो है ना, सोच रहे होते हैं क्या किया जाए, कि अचानक से सेप्ट के जहन में एक आइडिया आता है। सेप्ट रेसिंडल की तरफ देखता है, और रेसिंडल की तरफ देख के उसको बोलता है कि हमारे पास एक ही चॉइस है, उसमें तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी, तुम्हें बादशाह की जगह कॉरोनेशन को अटेंड करना पड़ेगा, लाजमी अटेंड करनी पड़ेगी। पहले तो रेसिंडल घबरा जाता है, ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, कोई भी होगा उसकी जगह पे घबरा जाएगा, बोलता है क्या पागल हो गए हो तुम लोग, इस तरह के आइडियाज दे रहे हो मुझको, मैं बादशाह की जगह पे जाऊंगा। आप ये सोचो कि रेसिंडल यहाँ पर कॉरोनेशन एज एन ऑडियंस के तौर पे एंजॉय करने के लिए आया था, ठीक है ना, और अब उसे कहा जा रहा है कि कॉरोनेशन में तुमने बादशाह की जगह पर जाना है, तुम्हारे सर पे ताज रखा जाएगा, तुम जाओगे। तो डेफिनेटली वो एक बहुत अजीब फील करेगा, बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा। और वो अच्छा, ऊपर से मजे की बात क्या, सेप्ट तो बोलता ही बोलता है, फिर से बोलता है, जो ये दो बंदे बादशाह के बहुत लॉयल हैं, हमेशा बादशाह के साथ होते हैं ये। फिर से बोलता है ये अच्छा आइडिया है। अच्छा वो रसिंदर को मनाते हैं कि देखो पास करो, उसको परसुएट करते हैं, मनाते हैं कि देखो अगर बादशाह आज नहीं पहुंचा ना, तो इतना याद रखना कि बादशाह की इमेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ये दोबारा हो सकता है कि एक कहते हैं ना अनार्की फैल जाना, कि तबाही बर्बादी, लोग जो है इसके बहुत खिलाफ होते हैं कि ऐसा बादशाह बन रहा है हमारा, कह रहे ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है। खैर रसिंडल अब बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि रसिंडल की नेचर है वो एक अच्छा इंसान, ये रसिंडल की नेचर है, लेकिन क्या करे। अब रसिंडल कुछ सवाल करता है, उसके सवाल बनते भी ये वाले करना, कहता भाई एक बात बताओ, चलो ठीक है तुम लोगों के कहने पे मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ठीक है मैं जाऊंगा। कह रहा है किसी ने मुझसे बात करना शुरू कर दी, मुझे कोई पहचान लेगा, क्या खाक जवाब दूंगा। तो रेसिंडल बड़ा चालाकी से इसका जवाब देता है, कहता है देखो एक बात याद रखना, तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, और अगर कोई पहचानेगा भी तो तुम्हें खतरा नहीं होगा। वो क्यों, क्योंकि हम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, हम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, तो अगर किसी के जहन में हल्का फुल्का शक भी आ रहा होगा, जब वो हम दोनों को तुम्हारे साथ देखेगा, तो वो सोचेगा यार शायद मेरे ही जहन में थोड़ा बहुत मतलब कि मिसकॉन्सेप्शन आ रहा होगा, मतलब कि शायद मेरे ही जहन में एक वहम होगा, तो कोई तुम पर शक नहीं करेगा। फिर रसिंदर पूछता है अगर किसी ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी, ऐसी बात जो कि बादशाह को बताए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसमें भी सेप्ट क्या बोलता है, कहता है इससे भी परेशान मत हो, क्योंकि अभी जो मौका है, कोई तुमसे कोई बात पूछेगा नहीं, किसी के पास मौका ही नहीं होगा कि तुमसे डिटेल में बात करे, हर कोई सलाम दुआ करेगा, बातचीत उस तरह से नहीं करेगा कि पास्ट लेकर बैठ जाए कि यार याद है लास्ट टाइम हमने ये किया था, कि ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं इस तरह करेगा, क्योंकि किसी के पास मौका नहीं है। इन दी एंड रसिंडल मान जाता है कि चलो भाई ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा, और अब देखते हैं कि इसने हेल्प करने के लिए जो मान रहा है चैप्टर 6 4 के आखिर में, देखते हैं 5 में क्या होता है। मेरे बच्चों 5 में रसिंडल करता है अपना हुलिया चेंज। हमने आपसे क्या बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, हमने जो पिछला आपको रिव्यू दिया वो ये दिया था कि रसिंडल जो है उसकी बियर्ड है हल्की सी शेव है, मतलब कि बादशाह की बियर्ड नहीं है, तो रसिंडल अपने आप को करता है क्लीन शेव, और जो कपड़े बादशाह ने पहने हुए थे वो खुद पहनता है, क्योंकि बेटा बादशाह एक नॉर्मल ड्रेसिंग भी जब करेगा तो
तो नॉर्मली तौर पे क्या होता है, वो दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग ड्रेसिंग होती है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम ये बादशाह क्या करें, चलो भाई रेसेंडल सैफ फ्रिट्स तो चले जाएंगे, बादशाह का क्या करना है, वो तो बेहोश पड़ा हुआ है। अच्छा सीन ये था कि अगर कुछ भी करके बादशाह को उठाने में कामयाब हो भी जाते, वो उठ भी जाता, तब भी बादशाह को लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसकी बॉडी में तो वो ड्रग मौजूद है ना, वो बॉडी से निकलने में टाइम लगेगा, बॉडी को हील होने में टाइम लगेगा। तो वो क्या करते हैं, जोसेफ नहीं था जो बादशाह का वफादार था, और अच्छा जोसेफ वाकई में बादशाह का वफादार बंदा था, तो वो उसको जानते थे वो लोग सेप्टेस, तो वो बोलते हैं कि देखो एक काम करो, हम तुम्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम बादशाह के साथ यहीं पर रुको, और किसी को कोई भनक तक नहीं पड़नी चाहिए कि तुम यहाँ मौजूद हो। और जो औरत होती है ना वहां पर, जो इनके लिए खाना पका रही थी, बूढ़ी औरत रात में खाना पका रही थी, उसको भी रस्सियों से बांध देते हैं, ताकि इसके सामने तमाम मामला हुए, अगर इसने गलत जगह पर गलत मौके पे जाके कुछ चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई ये जो ताज कोरोनेशन में जो बंदा गया हुआ है वो नकली बादशाह है, असली बादशाह नहीं है, तो मसले मसाइल हो सकते हैं। उस औरत को वो रस्सियों से बांधते हैं चेयर पर, और बादशाह को अंदर अंडरग्राउंड कहीं पे लेके आके छोड़ते हैं, और जोसेफ को बोलते हैं कि जब बादशाह को होश आएगा तो उनको इतना बोल देना कि हमने ये क्या स्टेप लिया है और हमें जो है ये क्यों स्टेप लेना पड़ा, और बोल देना कि हम उन्हें रिकवर करने के लिए खुद आएंगे रात में, खुद बाहर मत निकलिए वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है, हम खुद आपको लेने के लिए आएंगे। अब क्या होता है, बादशाह को वहीं छोड़ा, और ये पहुंच जाते हैं स्ट्रेल पर। कौन कौन, रेसिंडल सेप फ्रेट्स। रेसिंडल की मुलाकात करवाई जाती है बहुत सारे मिनिस्टर से, जो रूरिटानिया की आर्मी का हेड है उससे भी उसकी मुलाकात होती है, और किसी को शक नहीं होता कि असली बादशाह नहीं है। एक वजह तो ये कि जो असल बादशाह था वो लोगों में उठता बैठता नहीं था, तो लोगों को उसके नक्श भी याद नहीं थे। और क्या लिखा हुआ है, द कोरोनेशन प्रोसेशन बिगिंस। मेरे बच्चों प्रोसेशन का जो वर्ड निकला है वो प्रोसेस से निकला है बेसिकली। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हो रही होती है। अब सुनो यहाँ पर मेरे बच्चों, बताने वाली बात आप लोगों को यह है कि कॉरोनेशन जो होती है ना वो पैलेस में नहीं होती, महल में नहीं होती, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। ऐसे इवेंट्स के लिए इनका एक बहुत बड़ा सा चर्च होता है, एंड दैट इज कॉल्ड कैथीड्रल। वहां पर मेरे बच्चों ये इस तरह की सेरेमनीज होती हैं, मतलब कि जो रॉयल वेडिंग होती है वो भी यहाँ पर होती है, कॉरोनेशन होती है वो भी यहाँ पर होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि बादशाह ना अपने घोड़ों पर राइड करता हुआ इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचता है, पूरी की पूरी अपनी स्ट्रीट सड़कों वगैरह से। इस तरह से इनका पूरा ये एक प्ले होता है, ये इस तरह की सूरत हाल होती है, इस तरह से ये काम करते हैं। अच्छा भाई ठीक है, इस तरह से करते हैं, अब जरा आगे देखते हैं क्या होता है मेरे बच्चों। जब रेसेंडल जाना शुरू करता है, चैप्टर 6 शुरू हो चुका है, रेसेंडल जब जाना शुरू करता है ना, तो न्यू टाउन के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बादशाह को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, मतलब वो खुश होते हैं कि चलो यार ये बंदा आ गया। लेकिन जो ओल्ड टाउन के लोग होते हैं ना, वो दरअसल थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है उनमें, वो क्योंकि अभी कंफ्यूज होते हैं, वो दरअसल बादशाह के हक में नहीं होते। वो कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं कि हम इस तरह से बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों, कि वो चाह रहे थे कि इसको हम जानते नहीं है, कौन है ये बादशाह, क्या कर रहा है। अच्छा ड्यूरिंग दिस रेसेंडल को एक एक आइडिया सूझता है, अच्छा रेसेंडल यहाँ मौजूद है, बादशाह की तरह से जा रहा है, एक तरफ कौन है फ्रेट्स, एक तरफ सेप, और आसपास इसकी आर्मी के लोग भी हैं जो गार्ड्स वगैरह होते हैं। रेसेंडल को पता नहीं क्या सूझती है, ये क्या करता है, अपने घोड़े को थोड़ा सा दौड़ाता हुआ ना, राइड करता हुआ थोड़ा स्पीड में आगे निकल जाता है, मतलब उसकी पीछे गार्ड्स आर्मी सैप फ्रेट सारे के सारे पीछे, ये अकेला आगे निकल जाता है पब्लिक के बीच में। वहां पर मौजूद पब्लिक जो होती है वो हैरान रह जाती है, वो क्यों, वो बोलती है कि यार इसको पता है कि हम इसके सपोर्ट में नहीं है, ये जानता है कि हम इसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करते, इसके बावजूद ये अपने गार्ड्स को छोड़कर हमारे बीच में आया, ये हम पे ट्रस्ट कर रहा है। तो उनका दिल थोड़ा पिघलता है, वो बोलते हैं कि चलो यार एक मौका देकर देखते हैं, क्या पता ये वाकई में अच्छा बादशाह साबित हो। अच्छा सीन ये है कि रेसिंडल ने जब ऐसा किया तो सेप्ट ऑफ फ्रेट्स इसको रोक भी नहीं सकते थे, सेप्ट ऑफ फ्रेट्स इसको नहीं रोक सकते थे। कैसे रोकते भाई, क्योंकि
क्योंकि अभी रेसेंडल दुनिया की नजर में मेरे बच्चों क्या है, बादशाह है। बादशाह को ऑर्डर देके उसके अपने खादिम थोड़ी रोकेंगे, वो तो बादशाह ऑर्डर करता है। ये क्या बोलते हैं, रेसेंडल कह के बुलाते हैं या क्या बुलाते हैं? चलो किंग कहकर बुलाते, यूं बुलाते किंग कम बैक, यूं बोलते, ऑर्डर दे ही नहीं सकते थे। तो उनको गुस्सा आ रहा था लेकिन चुप हुए हुए थे। लेकिन रेसेंडल का ऐसा डेयरिंग काम करना बेनिफिशियल साबित हुआ, लोगों की नजर में इमेज थोड़ा बेहतर हुआ। खैर क्या हुआ, ये लोग पहुंचे कैथेड्रल, आखिरकार पहुंचने में कामयाब हो गए और पूरी की पूरी जो सेरेमनी होती है उसके सर पे ताज वगैरह रख दिया गया। यहां पर मुलाकात होती है रेसिंडल की किससे, ब्लैक माइकल से मेरे बच्चों, और फ्लेविया से। ब्लैक माइकल का रंग उड़ा हुआ होता है क्योंकि वो क्या सोच के बैठा हुआ है कि यार मैंने तो ड्रग दी थी, ये यहाँ कैसे पहुंच गया। और वो जानता था कि मेरे जो भाई की नेचर है, हाफ ब्रदर, मैंने आपको पहले ही कहा दे आर हाफ ब्रदर्स, के जो इसकी नेचर है वो शराब तो छोड़ता नहीं, पक्का पिएगा। तो ये यहाँ पर कैसे आ गया, ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके चेहरे से रंग उड़ा, वो बहुत घबराया हुआ था, बड़ा परेशान, बड़ा नर्वस होता है। यहीं पर मुलाकात रसिंदल की फ्लेविया से भी होती है। सर फ्लेविया ना कुछ नोट करती है, उसको बोलती है, कहती है तुम थोड़े डिफरेंट हो, मतलब नॉट फिजिकल अपियरेंस, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। मेरे बच्चों आपने देखा होगा कुछ लोगों की, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारी ना अपनी एक एनर्जी होती है, हमारा अपना एक ऑरा होता है, ठीक है। वो ऑरा क्या बोलते हैं कि आप कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास जाके बैठो, अगर आप थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ हुआ है, थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप एनर्जेटिक फील करते हो, बड़ा खुश फील करते हो, पर तफरी वाला मूड हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जाओ आपका मूड यूं फौरन से लिफ्ट होता है। और कुछ अल्लाह माफ करे इतने रोने धोने वाले लोग होते हैं, आप उनके पास जाके बैठ जाओ, अच्छे खासे मूड की ऐसी तैसी हो जाएगी आपकी, मतलब आप बोलो कि यार मैं क्यों आ गया, उल्टा खुद डिप्रेशन में चले जाओगे कि यार मैं क्यों बैठ गया ऐसे लोगों के साथ। अच्छा भाई साहब, और मतलब ऐसा लगता है उन्होंने जिंदगी में कभी खुशियां देखी नहीं है। अरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो जो भी है मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नहीं, उनका रोना धोना, तब अच्छे अल्फाजों में यही बोलेंगे कि उनका रोना धोना ऐसा होता है भाई जिसकी हद नहीं, कि ऐसे कर रहे होते हैं कि यार, तो आप उनसे पूछ लो ना अगर अच्छे मौकों पर भी, हाँ भाई क्या कैसा चल रहा है भाई, बोलेंगे बस यार चल रहा है। अरे भाई बंदा बोल देता अल्लाह का करम है, खुशियां देखी है हमने भी, उनको लेख के लगता है खुश है ही नहीं। अच्छे खासे मूड को अगर बर्बाद करना ऐसे लोगों के पास चले जाओ, तो बेसिकली फ्लेविया जब इससे मिलती है ना, तो फील करती है कि ये इसकी जो, इसका जो ऑरा है ना, इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो ऑब्वियस सी बात है, रेसिंडल की अपीयरेंस, रेसिंडल की पर्सनैलिटी अलग है, तो फील करती है लेकिन जज नहीं कर पाती कि असली बादशाह नहीं है, वो अलग बादशाह है। अच्छा तो मेरे बच्चों हमारे पास 1.5 मिनट रहता है क्लास खत्म होने में, जल्दी से मेरे बच्चों जरा मुझे बताओ, क्लियर है बेटा हमारे पास? बेटा हम आज यहीं पे रोकते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई कर दो मेरे बच्चों। बेटा फिर हम क्लास वगैरह ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह तुम लोगों से कल मुलाकात करते हैं। हाँ तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है, इंशाल्लाह मेरे बच्चों जरा हम तो फिर कल देखते हैं कल क्या करना है, क्लास में आओ फिर जरा बात करते हैं, तुम लोगों के जरा चेहरे देखते हैं, तुम लोग कितने चेंज हो चुके हो। ठीक है मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।